इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के क्या एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, कोई क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है, बहुत तेज आ रही है, कैसे करता है? ऐसे कर खड़ा होता है, धोनी को देख लो, ऐसे खड़ा है? नहीं, कैसे खड़ा है? पीछे को करता है बॉल। बहुत तेज बॉल है तो पीछे को करेगा हमेशा, राइट? ऐसे ही है। क्यों करता है? बैट्समैन ने बॉल को हिट या बॉल जो आ रही है उसकी स्पीड उसके हाथ में नहीं है, देखो तो जो आ रही है वो आ रही है, वो कैसे कंट्रोल करेगा? तो मान लो उसके हाथ पे वी वेलोसिटी से बॉल आती है, हाँ, रोकना उसके हाथ में है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। वी से आई और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, राइट? तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम वी। फाइनल मोमेंटम क्या है? जीरो। तो इंपल्स की वैल्यू क्या होगी इसमें? इंपल्स इसके इक्वल है। इंपल्स अगर नेगेटिव है इसका मतलब बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है, इंपल्स अगर पॉजिटिव है तो यानी कि बॉडी की स्पीड तेज हो रही है। क्लियर? यहां पर स्लो हो रही है तो यानी कि यहां पर नेगेटिव है, राइट? इंपल्स होता क्या है? फोर्स इंटू टाइम, राइट? तो इंपल्स फोर्स इंटू टाइम। अब मुझे पता है ये जो माइनस जो टर्म आई ये कॉन्स्टेंट है, देखो ये बंदे के हाथ में नहीं है, ना तो एम और वी हाथ में है ना जीरो हाथ में, वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब इंपल्स इस क्वेश्चन में क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो अगर वो कैच करने के टाइम को बढ़ा दे, दो चीजों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी, तो यानी कि उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगी, इसलिए वो टाइम बढ़ाता है कैच करने का, ताकि टाइम अगर बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी। पहली एप्लीकेशन है, ऐसे होता है। दूसरी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन में गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं, ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, ट्रॉली पे बैठ जाओ, चोट लगेगी, खड्डे आएंगे, तो शॉकर नहीं ना, महंगी गाड़ी में बैठो चोट, मतलब आपको कंफर्टेबल फील होगा, शॉकर जबरदस्त है, मतलब सस्पेंशन है, शॉकर है, वो करते क्या है? वो यही करते हैं, झटका लगा एम वी हो गया, झटके को रोकना है तो फाइनली आपको जीरो पे लेके आना है, तो क्या होगा? आपको झटका लगा, बढ़िया शॉकर क्या करेगा? एम वी मोमेंटम है आपकी बॉडी का, आराम आराम से आपको नीचे लेके आएगा, वेलोसिटी क्या करेगा? जीरो। जो बेकार शॉकर है वो एकदम जीरो पे ले आएगा, तो जो आराम से लेके आ रहा है, टाइम बढ़ा रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो नाम है शॉकर, शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हो क्या रहा है, आपको मोमेंटम दिया खड्डे ने एम वी, फाइनली आप किस पे आना चाहते हो? रेस्ट पे। आपको मोमेंटम झटका लगा तो ये कॉन्स्टेंट है, इंपल्स यानी कि कॉन्स्टेंट आपके हाथ में नहीं है, पर हाँ आपकी बॉडी पे जो फोर्स लग रही है उसका अगर आप टाइम बढ़ा दो तो फोर्स आपकी बॉडी पे कम, तो शॉकर क्या करता है? टाइम लेता है दबने में, टाइम लगता है खुलने में, तो टाइम की वजह से फोर्स आपकी बॉडी पे क्या लग रही है? कम। तो समझ में आ रहा है कि क्या एप्लीकेशन है इसकी? कोई डाउट इसमें?